विमर्श है, हल है निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब। जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। फरवरी महीने का दूसरा सप्ताह चल रहा है और पिछले दिसंबर से ही पूरे देश में G20 के सम्मेलन की चर्चा हो रही है। ये पहला मौका है जब भारत को G20 की लीडरशिप मिली है और भारत में इसका समिट हो रहा है अलग अलग शहरों में। पिछले महीने दिसंबर महीने में मुंबई में था, तो मुंबई को कुछ इलाके को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया क्योंकि G20 के डेलीगेट्स आ रहे थे। इसी तरीके से दिल्ली में और देश के दूसरे शहरों को भी सजाया जा रहा है। रांची भी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि रांची में भी इस समिट को होना है और इसके डेलीगेट्स यहाँ आने हैं, तो रांची को भी सजाने का काम शुरू हो चुका है। और न सिर्फ सजावट ये बाहरी है, मतलब शहर को साफ सुथरा किया जा रहा है, बल्कि सजावट अंदरूनी भी है। फाइलों पर काम हो रहा है, कैसे फंक्शन ठीक किया जाए, फंक्शनिंग कैसे अच्छी हो, इस पर बात हो रही है। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग इन्हीं तैयारियों पर बात करना चाहते हैं और इस पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अपने हीरो का स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं दिवाकर कुमार जी का जो डीडी न्यूज़ के प्रमुख हैं झारखंड में, अमर कुमार जी का जो डीडी झारखंड के प्रमुख हैं, प्रमुख एडवाइज़र हैं, और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं रवि प्रकाश, मैंने बताया ही आपको। तो आप दोनों का औपचारिक तौर पर स्वागत है क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम में, तो स्वागत करना हमारा मतलब दायित्व है और यह हमारे मतलब हमारी परम्परा भी है। दिवाकर जी, क्योंकि न्यूज़ की टीम को आप लीड करते हैं और कई तरह की बातें होती हैं ना कि अतिक्रमण हटा दिया तो वो किया वो किया, क्या फीलिंग्स है लोगों की, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है शहर में? देखिए, शहर में एक उत्साह भी लोगों के मन में है और एक थोड़ा सा कुछ वैसे लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके मन में डर भी है कि G20 के नाम पर उनका जो एक तरीके से उन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिसके जरिए उनकी रोजी रोटी भी चल रही है, वो खत्म होने की स्थिति में, तो ये एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट है। लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो लगातार लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, विदेशी डेलीगेट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे में ये झारखंड की एक जो हम कह सकते हैं कि ब्लैक इमेज या खराब तस्वीर नहीं निचानी चाहिए, इसलिए लोगों को कॉपरेट करने की आवश्यकता है। तो लोगों में ये एक विश्वास पैदा करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार हो रही है और पुलिस के जो लोग हैं और जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं। अगर आज की हम बात करें तो आज काके रोड में ये जो अतिक्रमण हटाओ मुहिम चल रहा था, और काके रोड निश्चित तौर पर झारखंड का अगर हम लोग कहें कि कोई खूबसूरत इलाका है तो वो काके रोड का इलाका है, लेकिन उन जगहों पर भी अवैध कब्जे हो रखे हैं। सड़कें जो है वो जितनी चौड़ी होनी चाहिए वो नहीं है, तो जो सड़कों पर अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाने की कोशिश हो रही है और लोगों को कन्विंस करने की, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं निश्चित तौर पर, जिनको लगता है कि फायदा हो रहा था इस अतिक्रमण की वजह से, उनका अतिक्रमण हट रहा है, तो थोड़ा सा आक्रोश तो दिखता है लेकिन उनको कन्विंस करने की कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन एक खुशी निश्चित तौर पर लोगों के मन में है। जब मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो लोगों को लग रहा है कि चलो भाई, झारखंड में इतनी जो बड़े पैमाने पर इतने बड़े फॉरनर्स, पहली बार कोई डेलीगेट इस स्तर पर झारखंड में आएगा और 1 से 3 तारीख, जो आज ही डेट फाइनल हुआ है, 1 से 3 जो मार्च का डेट है, इसमें 3 तारीख 3 दिनों तक ये पूरे डेलीगेट्स की टीम यहाँ पर रहेगी। और उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि आसपास के इलाके, झारखंड को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है और निश्चित तौर पर हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हमारी पहचान जो होती है वो खनिज संपदा के तौर पे तो होती ही है, लेकिन प्रकृति के तौर पर भी झारखंड की पहचान होती है, जिसकी बात अगर राजनेताओं के तौर पर भी अगर हम बात करें तो जल, जंगल और जमीन की बात झारखंड में खूब होती है। और ये हमारे दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर झारखंड में दिखाने के लिए कोई चीज़ है तो ये 3 चीज़ तो निश्चित तौर पर यहाँ पर है। तो इस तरह की चीज़ों की चर्चा है, लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि चलो झारखंड में पहली बार इतना बड़ा इवेंट कोई होने जा रहा है। अच्छा अमन जी, हम तो झारखंड से थोड़ा सा बाहर निकले, हालांकि बात झारखंड पर करनी है, लेकिन क्योंकि लीडरशिप मिली है देश को, लंबे वक्त के बाद ऐसा मौका आया कि जो भारत इतने देशों को 20-20 देशों को लीड करेगा, तो एक ओवरऑल माहौल कैसा है, लोगों के सेंटीमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और भारत की जो वैश्विक छवि है, जो ग्लोबल इमेज है, उस पे क्या असर पड़ेगा इससे? देखिए, G20 की बात आप अगर करते हैं तो G20 में वैसे 20 देश हैं दुनिया के और कुछ देशों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है, जहाँ जो है दुनिया की 80% जो GDP है और करीब 85% की जो आप उनका जो व्यापार पे जिनका कब्जा है एक तरह से,
उन 20 राष्ट्रों का ये समूह है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा संगठन है। और हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हमें इसकी सदारत करने का मौका मिला है। और इसीलिए भारत और ख़ास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा भुनाने की कोशिश, उसको इस अवसर को ज़्यादा वैश्विक बनाने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार जब से हमें अध्यक्ष बनाया गया, हमें अध्यक्षता सौंपी गई है, उस दिन से भारत में उत्सव की तरह लिया जा रहा है। और ये पहली बार है, नरेंद्र मोदी जानते हैं इस बात को कि केवल मुंबई, दिल्ली और जो कलकत्ता जैसे मेट्रो शहर वो नहीं, हर राज्य जब तक नहीं विकास की रफ्तार से जुड़ेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इनकी बैठकों को भी जो है राज्यों की राजधानी तक ले जाने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि अभी भी बेंगलोर में बैठक हो रही है, उससे पहले आपको गुजरात में बैठक हो रही थी, कलकत्ता में बैठक हुई, मतलब उसकी जो सब कमिटी है वो विभिन्न राज्यों में जाके और जो दुनिया भर के जो बड़े ताकतवर देश हैं आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, उनके जो डेलीगेट्स इंडिया में आ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया जो है इस G20 का कैसे लाभ उठा सकता है, उसकी कोशिश लगातार जारी है। तो उसी की कड़ी में जो है आप जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड में होने जा रही है, उसी की कड़ी में हमें भी झारखंड को मौका मिलने वाला है बहुत जल्दी, 1 से 3 मार्च के बीच, जब आप देखेंगे कि लगभग दुनिया में केवल कि 200 से 300 के करीब जो है डेलीगेट्स आ रहे हैं और वो झारखंड के जो विभिन्न संसाधन है उन पे क्या हो सकता है, उन उस चीज़ों की कैसे ग्लोबल मार्केटिंग हो सकती है। और इस बार बजट में आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री जी ने भी एक घोषणा की है कि एक प्रोडक्ट जो हर डिस्ट्रिक्ट का एक ख़ास प्रोडक्ट रहेगा, तो समझिए कि ये हर स्टेट का जो एक ख़ास प्रोडक्ट है उसको वैश्विक बनाने की जो मुहिम है, इसको G20 से बहुत बल मिलेगा। और आपको जैसा कि पता है कि G20 का कितना ज़्यादा असर है, कई देश ऐसे हैं दुनिया में जो जिनकी अर्थव्यवस्था बेहतर है, पोलैंड है, बेल्जियम है, इन लोगों की अच्छी स्थिति अर्थव्यवस्था में, उनका बढ़िया योगदान है, लेकिन उन लोगों को अभी तक सदस्यता नहीं मिली। मतलब अफ्रीकन कंट्री में सिर्फ 1-2 कंट्री हैं जिनको जो है सदस्यता मिली, बाकी सब ऐसे ही उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो इतने मजबूत संगठन की सदारत जो है हम कर रहे हैं, ये इससे बड़ा मतलब मौका और इससे बड़ा अवसर जो है कम मिलेगा। सर दिवाकर जी, जब हम लोग बात करते हैं किसी आयोजन की, तो एक तो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सरकार है उस स्टेट की, लेकिन एक बड़ा स्टेक होल्डर पब्लिक भी है, क्योंकि हम सब लोग बात संसाधनों की कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती की कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को शोकेस करने की कर रहे हैं, तो पब्लिक को करना क्या चाहिए, पब्लिक का क्या दायित्व होना चाहिए ऐसे सम्मेलन जब हो रहे हैं, तो उसके आयोजन में पब्लिक कैसे सपोर्ट कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा सा मैं एक पिछले इवेंट की ओर आपको लेकर चलने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे गंगा विलास जो है वो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक बड़ा रिवर जो हम कह सकते हैं क्रू चल रहा है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो कहा जाता है लंबी यात्रा पर ये निकला है, तो जिस तरीके से झारखंड में एक ही स्पॉट था, अलग बात है साहेबगंज, तो साहेबगंज में जब ये पहले ही पहुंच गया, जो इंतजाम होने चाहिए थे जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किए थे उसके पहले ये टीम यहाँ पर पहुंच गई, लेकिन कोई शेड्यूल नहीं था। लेकिन झारखंड की जो खूबसूरती है और जो झारखंड का हम कह सकते हैं USP है कि जब वो टीम साहेबगंज पहुंची तो उन लोगों ने खुद उत्सुकता जाहिर की कि अरे ये ऐसा इलाका है, यहाँ पे हमने फॉसिल्स की बात सुनी है, ये राजमहल का जो इलाका है इसका डिफरेंट सिनेरियो है, पहाड़ और जो गंगा के किनारे पहाड़, ये कुदरत का एक बेमेल टाइप का कॉम्बिनेशन था जिसे लोग देखने में रुचि लोग दिखा रहे थे। और उसके बाद जब लोग उस जगह पर निकले तो जो ट्रू था, उन्होंने क्रू के लोगों ने कहा कि जैसा जाहिर की नहीं, मुझे थोड़े वक्त यहाँ के लोगों के साथ बिताना है, ग्रामीणों के साथ बिताना है। और जब वहाँ के लोगों ने अपने घरों से निकाल कर जब उनका स्वागत करना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर जो हम बात करते हैं कि पहाड़ी इलाके में जो हॉस्पिटैलिटी होती है वो अद्भुत होती है, वो कुछ नज़ारा झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वैसा ही कुछ नज़ारा जिसकी बात आप कर रहे हैं कि लोगों को दिखानी चाहिए दिलेरी, तो झारखंड में ये चीज़ है, आदिवासी समाज में भी ये दिलेरी है। और झारखंड के जो खान पान है वो निश्चित तौर पर थोड़े टिपिकल भी हैं और थोड़े यूनिक भी हैं। तो निश्चित तौर पर जो विदेशी डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे तो ये सब जो चीज़ें हैं वो झारखंड
उनको अट्रैक्ट भी करेगा। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के खान पान है, यहाँ के जो सभ्यता संस्कृति है, यहाँ के जो रिच है, ब्यूटी है, ये निश्चित तौर पर सारे जो संसाधन, एक तरीके से इसको हम संसाधन का रूप देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे विदेशी डेलीगेट्स आएंगे, इंडियन डेलीगेट्स आएंगे, सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और देखिए, अगर जब पूरी टीम आती है तो सिर्फ उसमें 200 या 100 लोग नहीं आते हैं, उनके साथ पूरी जो हम कह सकते हैं कि 2000 लोगों की वो टीम होगी। उसके साथ आप सोचिए कि कम से कम झारखंड के नहीं तो 20,000 डायरेक्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें। तो सोचिए कि एक तरीके से जब ये माहौल बनेगा तो लोगों के ऊपर जो एक बड़ा आयोजन का एक जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, तो आगे से इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। थोड़ा सा हम बैकड्रॉप में लेकर चलते हैं G20 में आपको, रवि जी, कि देखिए G20 का जो फॉर्मेशन है वह 1999 के आसपास हुआ था, जब एक बड़ी मंदी के दौर से ये पूरे मुल्क गुजर रहा था। तो वैसे में जो विकासशील देश थे और विकसित देश थे, उनका संगठन तैयार किया गया। और आज जो ये हम एक तरीके से कहें कि जो पूरी जो आबादी है दुनिया की, लगभग 2/3 आबादी जो है ये G20 संगठन की है। तो वैसे में भारत तो ऐसे भी दुनिया का हम लोग जान रहे हैं कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, और उसके बाद इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री लगातार फोकस कर रहे हैं कि कैसे हमको ये अवसर मिला है, लोगों को इसमें कितनी भागीदारी दिखानी चाहिए, तो निश्चित तौर पर लोगों को वेलकम करना चाहिए। और जो हमारे अपने USPs हैं उनको हम कितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम दिखा सकते हैं, और जो हमारी हॉस्पिटलिटी होनी चाहिए उसमें हमें निश्चित तौर पर और उद्गार होने की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गंगा जो है हमारे यहाँ एक ही जिले से गुजरती है, वो साहिबगंज है, और सबसे बड़ी रिवर में किसी नदी में क्रूज़ का इतना लंबा डिस्टेंस तय करना ये पहली बार हुआ है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्री गंगा हमारे यहाँ थे और साहिबगंज उस रूट में शामिल था। और एक और बात है कि जो मिलेट्स की बात है, मोटे अनाजों की बात होती है, हमारे खान पान की आप चर्चा करें तो हम लोग पहले ही से मोटा अनाज खाते रहे झारखंड में, आदिवासी ऐसे ही रहते हैं। सर, ये बताइए कि जैसे G20 का सम्मेलन होगा या इस तरह के मौके में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर से ऑफिशियल्स जाते हैं दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करने भारत को, तो जब यहाँ के लोग भारत जाते हैं वो उनके जो इमेज बिल्डिंग होती है, उनकी जो छवि बनती है वो, और यहाँ वहाँ के लोग जब यहाँ आके देख के जाके अपने यहाँ रिपोर्ट्स करेंगे, अपने गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमने ये देखा, उससे जो भारत की इमेज बनेगी वो, इन दोनों में कितना फ़र्क पड़ेगा, भारत की इमेज कितनी मजबूत होगी इन लोगों के रिपोर्ट से जब ये लोग लौट के जाके रिपोर्ट करेंगे? बिल्कुल मजबूत होगी रवि जी। आप अपने पिछले कई घटनाओं को अगर आप पीछे जाइए फ्लैशबैक में, तो आप देखिए कि भारत अब बदल चुका है, भारत बदल चुका है। मुझे अभी लास्ट G20 के मीटिंग का एक जो विजुअल मेरे जहन में है कि अमेरिका का राष्ट्र के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए इंतजार कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ बात कर रहे थे वो, लेकिन जैसे ही उनको उनको ध्यान आया कि अरे बाइडेन साहब वेट कर रहे हैं, तो फिर वो गए। फिर तो ये वो भारत है कि अमेरिका पहले था कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने आप को बहुत माने वो शक्तिशाली मानता था और है थे भी, लेकिन आप शक्तिशाली हैं, लेकिन मोदी युग में शायद इस चीज़ की प्रतिष्ठा बढ़ गई है भारत में कि हम भी हैं, आप हैं ठीक भैया, आप 20 हैं हम मानते हैं, लेकिन हम भी 19 नहीं हैं। और इस चीज़ को और बल मिलेगा ऐसी बैठकों से, जब यहाँ पे आएंगे डेलीगेट्स और यहाँ से जो फीडबैक लेके जाएंगे, यहाँ पे जो मेरे पास जानकारी है कि टूरिज्म सेक्टर को ख़ास तौर पर यहाँ पर नोडल जो है उसी को बनाया गया है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को यहाँ, तो क्योंकि झारखंड के जो टूरिज्म स्पॉट है उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे तो होती है, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो है पहचान बननी बाकी है। तो लोग जब जाएंगे यहाँ के जो टूरिज्म स्पॉट के बारे में चर्चा करेंगे वो डेलीगेट्स, फिर वहाँ पे तो वहाँ से लोग ज़रूर आएंगे। और आपको यहाँ पे रामगढ़ ज़िले का जो पतरातू वैली है, तो वहाँ से आगे एक जगह है जहाँ सरकार ने बनवाया है टूरिज्म स्पॉट, वहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है, तो वहाँ बैठेंगे और वो जो अद्भुत नज़ारा देखेंगे, इसके अलावा और भी जो कुछ जगहों पे जाने की सूचना है, तो उन जगहों के बारे में जब दुनिया के लोग जानेंगे कि भाई भारत में एक प्रदेश है झारखंड, और झारखंड में ये चीज़ ऐसा है कि दुनिया में और कहीं नहीं है, तो आपकी जो शक्ति है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। आपके जो दावे हैं दुनिया में कि हम हर चीज़ के मामले में नंबर वन है, हम सिर्फ जनसंख्या के मामले में मजबूत नहीं है, हम दूसरे मामलों में भी दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, वो चीज़ें
और ज़्यादा उसमें उसके आप कहते नहीं कि कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें और एक्सपीरियंस लगाते हैं और चीज़ों को मतलब फाइल को मजबूत करते हैं, तो वही दुनिया के मंच पे आपकी फाइल जो है वो मजबूत होगी और आपको जो अध्यक्ष बनाया गया है तो उस पर उसका ये फ़ायदा है आपको। और ये अगले एक साल के दौरान जिस तरह से विभिन्न जगहों पे विभिन्न कमेटियां जा रही हैं, डेलीगेट्स जा रहे हैं, तो सही बात दिवाकर जी बोल रहे थे कि 200-300 तो वो मेन डेलीगेट्स हैं, लेकिन उनके साथ उनके स्टाफ उनका ऑफिस कुल मिला के ये 2-3 हज़ार लोग आएंगे, और 2-3 हज़ार लोग जब दुनिया के विभिन्न कोनों में जाएंगे, विभिन्न जगहों पर जाएंगे और चर्चा करेंगे कि मैं रांची गया था, रांची में ये चीज़ है जो देखना चाहिए। जैसे हम लोग को कोई विदेश से लौट के आता है और बताता है कि भाई मिलान शहर ऐसा है और अमेरिका ऐसा है, फलां ऐसा है, तो हम लोग में भी उत्कंठा जगती है कि हम जाएं वहाँ देखें घूमें, तो वो चीज़ अब हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी दुनिया जानेगी। एक अच्छी बात है कि कई सारे देशों में दिवाकर जी ऐसे होता गया कि एक तरीके का कल्चर है, एक तरीके के लोग हैं, एक ही भाषा है, जितनी डाइवर्सिटी भारत में है कि झारखंड में कुछ अलग, झारखंड के अलग अलग भाषा है, कलकत्ता में कुछ अलग बोल रहे हैं, बिहार में अलग भाषा है, दिल्ली में अलग बोल रहे हैं, मुंबई में अलग बोल रहे हैं, तो इस डाइवर्सिटी में जो यूनिटी दिखेगी ना ये यूनिक होगी। और हमें इसकी उम्मीद है कि ये दूसरे देशों के लिए बड़ा लेसन होगा कि भाई कैसे इतना अंतर होने के बाद भी लोग एक कैसे रहते हैं। एक चीज़ और है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, पब्लिक के पार्टिसिपेशन पे, गवर्नमेंट पे, एक बड़ा रोल मीडिया का भी होता है कि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं दूरदर्शन में, तो इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं इतनी देर की G20 के आयोजनों पर। लेकिन जो मीडिया है ऑन द होल इंक्लूडिंग दूरदर्शन, इसकी कैसी भूमिका होनी चाहिए, मीडिया कैसे अपना रोल अदा कर सकता है अपनी चीज़ों को शोकेस करने में, ठीक है भाई हमें पता है कि 3 दिनों तक करेगा, 3 दिनों तक हमने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, ऐसी चीज़ों को छापा जिससे कि हमारा एक अच्छा मैसेज जाएगा, तो मीडिया कैसे अपना रोल इसमें अदा कर सकता है और क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है इसमें कि मीडिया कुछ कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है, ठीक है, उनकी अपनी भूमिका है, उनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मीडिया को जिस तरीके से अब शोकेस करना है, अगर किसी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, चाहे कोई भी डेलीगेट्स आते हैं या कोई भी आता है, तो वो भी ऐसे होते हैं जो मीडिया से लगातार वो भी रूबरू होते हैं, तो उनके सामने अगर चीज़ें झारखंड की निकल के आएगी कि झारखंड में मड़ुआ बहुत अच्छा होता है, तो उनको जिज्ञासा होगी कि बिलेट्स में भाई ये इस तरह का चीज़ झारखंड में होता है, तो उनके मार्केटिंग, जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि G20 में जो हमारे मुल्क है उसमें से 3/4 3/4 जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ये G20 देशों से होता है, तो कितना महत्व है उसका। तो अगर मीडिया इन चीज़ों को शोकेस करे, झारखंड की ब्यूटी के बारे में उनको दिखाए कि आज अगर डेलीगेट्स की टीम आई थी झारखंड, तो वो घूमने गई पतरातू वैली, तो पतरातू वैली की कैसी तस्वीर हम शोकेस करें, जो एक तस्वीर बहुत कुछ बोलता है, जैसे अब गोधरा इंसिडेंट की बात करें या हम किसी और भी इंसिडेंट की बात करें, तो एक तस्वीर किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, मीडिया को उस तरह से भूमिका निभाना चाहिए, और एक मिरर के रूप में मीडिया को आना चाहिए सामने कि हमारी जो तस्वीर है झारखंड के या ट्राइबल संस्कृति की, हमने किस तरीके से जो हमारे डेलीगेट्स आए उनको हमने एयरपोर्ट पर वेलकम किया, रेलवे स्टेशन पर हमने वेलकम किया, तो वो अगर चीज़ें दिखेगी तो निश्चित तौर पर उससे झारखंड का प्रचार प्रसार होगा, और मीडिया को फोकस इन तरह की चीज़ों पर करनी चाहिए कि हमारा जो USP है उसको हम इस दौरान में प्रमोट करें जितना ज़्यादा कर सके। चलिए, हम लोग लगातार G20 के आयोजनों पर बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने अनुरोध किया था रांची के DC साहब से, राहुल सिन्हा जी से, कि आप भी हमें ज्वाइन करिए, और हम समझ सकते हैं कि कितनी व्यस्तता होती है जब आप राजधानी वाले जिले में DC होते हैं, तो हम लोग स्वागत करते हैं राहुल सिन्हा साहब का जो DC हैं रांची के, उन्होंने भी ज्वाइन किया। सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे G20 के आयोजनों पर, तो हम लोगों ने ये बात की कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है और कैसे पब्लिक का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, कैसे इंडिया का जो ब्रॉडर इमेज है ग्लोबल वो कैसे चेंज होगा G20 के आयोजन से। हम लोग आपसे ये समझना चाहते हैं कि सर एग्जैक्टली क्या आयोजन होना है झारखंड में, रांची में क्या होगा, कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ आप लोग करने वाले? जी, पहले तो मैं थोड़ा परिदृश्य बताना चाहूँगा G20 का। आप अवगत ही हैं कि G20 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि दुनिया के 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि इन सभी देशों में बहुत सारे जो इश्यूज़ रहते हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन से संबंधित, सोशल डेवलपमेंट, फिनंशियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़, वेलफेयर इशूज़, इन सभी पर आपस में विचार विमर्श करें और तरीके निकालें कि अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान कैसे हो। तो इन्हीं परिदृश्य में हर एक वर्ष किन्हीं न किन्हीं देश को इसकी मेज़बानी करने का मौका मिलता है, और हमारे देश को इस वर्ष प्रेसिडेंटशिप मिला है
जिसके आलोक में G20 की सारी बैठकें, उनके सारे सेमिनार्स, उनके डिस्कशंस इस देश के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से कराए जाएंगे। और इसी आलोक में झारखंड की राजधानी को भी यह मौका मिला है कि G20 के किसी एक पर्टिकुलर डिस्कशन, एक पर्टिकुलर मीटिंग को होस्ट किया जाए, जो कि यहाँ पे मार्च के महीने में होने जा रहा है। तो हम लोगों को उसी प्रकार से तैयारियां करनी है, क्योंकि इसमें देश विदेश के काफ़ी नामी हस्ती मौजूद रहेंगे, और जो परिदृश्य उन्हें इस राज्य का देखने के लिए मिलेगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उस पर काफ़ी फीडबैक्स उस पर निर्भर करेंगे। हमारा राज्य एक नया राज्य है, इसे स्थापित हुए 22 साल हुए हैं, बहुत सारी अभी अपेक्षाएँ हैं, बहुत आकांक्षाएँ हैं, तो उनको पाने के लिए अभी भी बहुत स्टेक होल्डर्स को सामने आना है। और यहाँ पर रांची में जिस विषय के लिए चयन हुआ है वह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कंसल्टेशन विद CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उस डिपार्टमेंट से संबंधित यहाँ पे बैठक होगी, उससे संबंधित विचार विमर्श होगा। उनके एजेंडाज तो G20 के अंतर्गत रहेंगे। हमारे राज्य का यह उद्देश्य है कि हम उनको अपने राज्य से अवगत कराएं, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कलाएं कृतियों को हम प्रयास करेंगे कि जैसे ही वह यहाँ एयरपोर्ट पर आते हैं, एयरपोर्ट से लेकर उनके मीटिंग वेन्यू और उसके बाद उनके एक्सकर्शन ट्रिप्स में पूरी तरह से हम दिखा पाने में सफल रहें। फिर चाहे वह पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग के माध्यम से हो, कुछ छोटे कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से हो, या फिर एक प्रॉपर शिविर बनाकर हो, तो हम लोगों का यही उद्देश्य है। सबसे पहले उनका अपने गंतव्य स्थल पर एक मीटिंग होने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं, और उसके पश्चात यहाँ से पतरातु जाने का कार्यक्रम है। पतरातु में जैसा कि आप जानते हैं, पर्यटन विभाग ने काफ़ी बड़ी फैसिलिटीज़, काफ़ी बड़ी सुविधाएं तैयार करी हैं जो कि स्टेट ऑफ आर्ट हैं, तो उसका अवलोकन करते हुए यहाँ से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक फीडबैक लेकर जा सकता है। प्लस वहाँ पर झारखंड राज्य की जितनी भी संरचनाएँ हैं उनका एक शोकेसिंग करने का प्लान है एक शिल्प ग्राम के द्वारा। तो यह शिल्प ग्राम उन्हीं पर्यटन विभाग के जो कैंपस हैं वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, और उसमें जितनी भी हमारे राज्य के USPs हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन से, फिर चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ के कल कारखाने हैं, यहाँ के माइनिंग आउटपुट्स हैं, यहाँ के विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनके छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस वहाँ पर किए जाएंगे, जिससे कि किन्हीं को भी फर्स्ट ग्लांस में झारखंड कैसा है, कैसे आगे प्रगति करने के दिशा में अग्रेतर कार्रवाई हो रही है, उसका एक बर्ड आई व्यू वहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो तैयारियाँ हम लोग G20 के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर दिखा पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक अच्छा फलाफल निकलेगा और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत अच्छा फीडबैक देखने के लिए मिलेगा पूरे रांची समेत झारखंड को लेकर। और इस अच्छे फीडबैक से डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ की संभावनाओं को और मजबूती मिलेगी, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ जितने भी हिडन पोटेंशियल हैं वह भी कल विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आ पाने में सफल रहेंगे। और है कि डेलीगेट्स कितने होंगे, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है उनके रहने का, उनके उनके घूमने का, उनकी मीटिंग्स का? जी, इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स की संख्या अभी स्पष्ट नहीं की गई है, परंतु 100 से लेकर 150 की संख्या में डेलीगेट्स रहेंगे। इसमें विभिन्न कंट्रीज़ के डिफरेंट लेवल के ऑफिशियल्स रहते हैं। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी विभिन्न साइंटिस्ट, विभिन्न प्रोग्राम मैनेजर्स और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स लोगों के आने की संभावनाएं रहेंगी। वो डिटेल आईटीनरी हम लोग को कार्यक्रम के कुछ दिनों पहले शेयर किया जाएगा और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंजमेंट्स रहेंगे। इन पूरे अरेंजमेंट्स को चैनलाइज करने के लिए फिक की FICCI उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, तो उनके कंसल्टेशन के साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है उनके होटल्स के या फिर ट्रांसपोर्टेशन का, वह यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से अरेंज करवा रहे हैं। सिक्योरिटी के जितने भी आयाम हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है, जिन जिन कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स को Z+X Y कैटेगरी की सुरक्षाएं मुहैया कराई जानी है उनके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। सारे ऑफिशियल्स को ब्रीफ किया जा रहा है, लाइजन ऑफिसर्स को अकॉर्डिंगली मोल्ड किया जा रहा है, एयरपोर्ट में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी काफ़ी व्यवस्थाएं कराई हैं। तो कुल मिलाकर रांची इज़ टोटली रेडी टू
टू वेलकम ऑल द डेलीगेट्स एंड हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उनका यह यहाँ पर जो विजिट रहेगा, जो है का स्टे रहेगा, वो मेमोरेबल रहेगा। क्योंकि हम लोग काफ़ी पहले से डिस्कस कर रहे थे और आप मेदीर से ज्वाइन किया कुछ वक्त, हम और आपका लेना चाहते थे, तो मैं अब आप दोनों लोगों से अनुरोध करूँगा कि आपके जो सवाल है, यहाँ पास दो ही मिनट है, अब थोड़ी सी हिसाब से हम दो मिनट और बात कर सकते हैं, तो कुछ सवाल आपके जो हों आप उनसे पूछे। नहीं, आप डीसी साहब ने भी वही कहा और सवाल, क्योंकि अभी ये प्राथमिक स्तर में बहुत चीज़ें हैं, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट जो है झारखंड, क्योंकि अभी भी भारत को तो लोग जानते हैं दुनिया में, झारखंड को बहुत कम लोग जानते हैं, उसका जो है इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा आपको। जी बिल्कुल, अब हमारा जो राज्य है, अभी भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ जितने रिसोर्सेज हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हों, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हों, टूरिज्म के रिसोर्सेज हों, अभी भी उन सभी में इतना हिडन पोटेंशियल है जिसको कि एक्सप्लोर कर पाने में अभी तक हम लोग सफल नहीं रह पाए हैं। उसमें कई एक लिमिटेशंस होते हैं, हमारे पास उतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमारे पास शहर में भी उतने मैन पावर नहीं है, जो कि कैसे इनको एक्सप्लॉयट किया जाए टुवर्ड्स ए पॉजिटिव गोल, शायद हम अभी तक उतना कर पाने में नहीं सफल हो पाए। अगर हमें इसमें और टेक्निकलिटीज़ और एक्सपर्ट्स का सहयोग मिलता है, जो कि हमें भी बता सके कि हाँ एक दिशा आपको अगर दी जाए तो आप इसको कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं, तो मेरी समझ से अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ विजिट होता है तो हम लोगों को डेफिनेटली इस प्रकार के फीडबैक्स मिल सकते हैं, इस प्रकार के और पॉजिटिव एडवाइजेज मिल सकते हैं, जिनको अगर हम अंगीकार करें तो यहाँ के इन सारे अनटैप्ड पोटेंशियल को हम लोग अपने पॉजिटिव्स में चेंज कर दे सकते हैं। एक चीज़ लास्ट की, लोगों से आपको किस तरह का इसमें रिस्पॉन्स चाहिए, लोग किस तरीके से आपको सपोर्ट करें, और साथ ही साथ क्या इससे लगता है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है इस तरह के इवेंट होने से बढ़ेंगे झारखंड में? करेक्ट, ऑब्वियसली झारखंड सिर्फ यहाँ के सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से तो नहीं जाना जाता, झारखंड जाना जाता है झारखंड की सामान्य आबादी की वजह से, तो जितना रोल इसमें झारखंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है, उतना ही रोल यहाँ के सामान्य पब्लिक का है। हमारे देश तो अतिथि देव भव में यकीन करता है, तो जितने भी लोग आ रहे हैं हम सबके वो अतिथि हैं, तो हम सबको, पूरे रांचीवासी को या पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ पे भी उनका भ्रमण हो रहा है, हम सभी को उनको सराखों तले बिठा कर यहाँ पे लाना है, और जो अपना बेस्ट हो सकता है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम अपने घर को साफ करते हैं, उनके लिए अच्छा पकवान बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें उनके साथ भी बिहेव करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी रांची पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होगी तब तक, और हम ऐसी कोई कमी नहीं रहने देंगे जिसका कि जिसे कि किसी तरह की आगे जाके परेशानी हो, और जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे डेफिनेटली पूरी रांची से वह प्रभावित होकर लौटेंगे, और जो यादें जो अनुभव उनका रहेगा वो डेफिनेटली अपने देश में जाके देशवासियों के साथ भी साझा करेंगे। सिन्हा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त भी हमारे पास कि मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊँ, मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।